बिल्कुल अक्षम है हेमंत सरकार, रघुवर ने साधा निशाना। झारखंड में जिस तरह से अपराध का बोलबाला देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब हेमंत सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। दरअसल धनबाद में जज की हत्या के मामले से पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से राज्य में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। आम से लेकर खास तक सभी का जीना मुहाल हो गया है। राज्य निर्माण के बाद से ऐसी बदहाल विधि व्यवस्था कभी नहीं रही है। पहली बार न्यायपालिका को अपराधी निशाना बना रहे हैं। धनबाद में जज उत्तम आनंद के साथ जो कुछ हुआ, वो गहरे संदेह पैदा करता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तो ये मामला काफी गंभीर हो गया है। इस घटना से ठीक एक दिन पहले तमाड़ में अधिवक्ता मनोज झा की हत्या कर दी गई। पूर्व सीएम ने कहा कि न्यायालय की ये टिप्पणी के जब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उग्रवाद चरम पर था, तब भी न्यायपालिका को टारगेट नहीं किया गया था। अदालत की ये टिप्पणी राज्य की विधि व्यवस्था को बताने के लिए काफी है। इसकी वजह है कि राज्य में एक अक्षम नेतृत्व है जो विधि व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल है। रघुवर दास ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राजधानी रांची में अमूमन हर दिन हत्याएं हो रही हैं, जमीन माफियाओं का बोलबाला हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों का तांडव पूरे प्रदेश में काफी बढ़ गया है। जज उत्तम आनंद, अधिवक्ता मनोज झा के साथ साथ दरोगा रूपा तिर्की की मौतें राज्य की बदहाल शासन व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।